ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। 14 मार्च की रात करीब 8 बजे जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया, वैसे ही उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। सब ये जानने के लिए बेताब थे कि किसे सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला, किसने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदे। करीब 763 पेज के दो डॉक्यूमेंट्स में आंकड़ों का मकड़ जाल था, लेकिन लल्लन टॉप टीम आपके लिए आसान भाषा में सटीक जानकारी लेकर आई। जैसे सबसे ज्यादा चंदा किसे मिला, किस कंपनी ने सबसे ज्यादा जेब खोल चुनावी बॉन्ड खरीदा, इस बीच एक और आंकड़ा है जिस पर अब तक बात नहीं हो रही है। वो आंकड़ा ये है कि सबसे कम रुपए वाला चुनावी बॉन्ड किस किसने खरीदा। इस लिस्ट में कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, तो कुछ ऐसे नाम भी जिन्हें शायद आप पहली बार सुने। तो आइए चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों की करोड़ों वाली पहेली में वो नाम खोजते हैं जिन्होंने 1-1 हजार रुपए का चंदा दिया। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रायपुर बोटलिंग कंपनी का। इस कंपनी ने 16 अप्रैल 2019 को 1000 रुपए का चंदा खरीदा। गूगल पर इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी मिला है उसके मुताबिक इस कंपनी का हेडक्वार्टर रायपुर में है और ये करीब 4 साल पुरानी कंपनी है। 1-1 हजार रुपए का बॉन्ड खरीदने वालों में कुछ गुमनाम नाम है, तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने करोड़ों का चंदा खरीदने के साथ साथ 1-1 हजार रुपए वाला इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदा। इसमें एक नाम है ITC लिमिटेड का। इस कंपनी ने जहां 8 मई 2019 को 1 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा, तो उसी दिन यानी 8 मई 2019 को ही 1000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदा। ITC लिमिटेड ने 1-1 हजार रुपए के कुल 15 बॉन्ड्स खरीदे। ये कंपनी कई लग्जरी होटल्स चलाने के अलावा पैकेजिंग, FMCG, फैशन रिटेल जैसे कई सेक्टर्स में अपनी दमदार मौजूदगी रखती है। 1910 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो ये तंबाकू बनाती थी। इस कंपनी ने कई करोड़ों लाखों के बीच कई हजार का भी बॉन्ड खरीदा है। अगला नाम है अभिजीत सोलोमन कांबले का। इनकी ओर से 10 मई 2019 को 1-1 हजार रुपए के 4 बॉन्ड्स खरीदे गए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पूनम अग्रवाल का। पूनम अग्रवाल ने 20 अक्टूबर 2020 को 1000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा। पूनम अग्रवाल पत्रकार है और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड खरीदा था। इस लिस्ट में अगला नाम है एन रामामूर्ति का। उन्होंने 7 अप्रैल 2021 को सिर्फ एक बॉन्ड खरीदा, वो भी 1000 रुपए का। ऐसे ही तमाम नामों में एक नाम है रे कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का। इस कंपनी की ओर से 9 अप्रैल 2021 को 1000 रुपए का सिर्फ एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। इस लिस्ट में शामिल अद्विता फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 10 जनवरी 2022 को सिर्फ एक बॉन्ड खरीदा, उसकी कीमत थी 1000 रुपए। अगला नाम आनंद अग्रवाल का। इनकी ओर से 8 अक्टूबर 2021 को कई सारे चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए। इसमें 4 बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनकी कीमत सिर्फ 1000 रुपए है। अक्टूबर 2021 के बाद जनवरी 2023 को आनंद अग्रवाल ने फिर से बॉन्ड्स खरीदे और इस बार भी ये 1-1 हजार रुपए वाले 5 बॉन्ड्स थे। अगला नाम रितेश अग्रवाल का, जिन्होंने 4 जुलाई 2022 को 1-1 हजार की कीमत वाले 5 बॉन्ड्स खरीदे, जिनकी कुल कीमत हो गई 5000 रुपए। गिरिधरन मानिवन्नन विश्वजीत घोष भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 15 नवंबर 2022 को ध्रुव कॉटन प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 16 बॉन्ड्स खरीदे गए, जिनमें 5 बॉन्ड्स ऐसे थे जिनकी कीमत 1000 रुपए थी। इस कंपनी ने न सिर्फ 1000 रुपए के बॉन्ड्स खरीदे बल्कि 10000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के भी बॉन्ड्स खरीदे। 15 नवंबर 2022 को पवन अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने सिर्फ एक बॉन्ड खरीदा, उसकी कीमत 1000 रुपए। पवन अग्रवाल की तरह दामिनी नाथ ने भी सिर्फ एक बॉन्ड खरीदा, वो भी सिर्फ 1000 रुपए का। बस अंतर था, पवन अग्रवाल ने अपना बॉन्ड नवंबर 2022 में खरीदा था, दामिनी नाथ ने जनवरी 2023 में। ऐसे एक और नाम है पुनीत देवेंद्र भाई भंडेरी का। इन्होंने एक बॉन्ड खरीदा, कीमत वही 1000 रुपए। अरविंद एस की तरह अंकुर सिंघल, समीर भाटिया, कुणाल गुप्ता ने भी बिल्कुल इसी पैटर्न में बॉन्ड खरीदे। अगला नाम राघव कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। इसकी ओर से 15 नवंबर 2022 को 10 बॉन्ड्स खरीदे गए, जिनमें 4 बॉन्ड्स ऐसे थे जिनकी कीमत 1000 रुपए है, बाकी बॉन्ड्स की कीमत 10 लाख से लेकर 1 लाख रुपए तक की है। देवल खामुभाई मनवर की ओर से भी इसी पैटर्न में 1-1 हजार वाले 8 बॉन्ड्स खरीदे गए। हरिजन हीरा भाई ने भी 22 में से 8 बॉन्ड्स खरीदे जो 1000 रुपए वाले थे। कुछ इसी पैटर्न में बॉन्ड खरीदे हैं रामकृष्ण कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड ने। इसने भी 15 नवंबर 2022 को 16 बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 5 बॉन्ड्स ऐसे थे जिनकी कीमत 1000 रुपए, बाकी 10 लाख और 1 लाख की कीमत वाले बॉन्ड्स थे। मानवर देव भाई राठौर, लखीबेन, सौरभ कुमार रॉय भी इसी में शामिल हैं। 2022 में खरीदे गए ज्यादातर बॉन्ड्स को खरीदने का पैटर्न सेम था, बस कंपनी के नाम अलग थे। जैसे सनबी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने 16 बॉन्ड्स खरीदे जिसमें 10 लाख और 1 लाख की कीमत वाले बॉन्ड्स को छोड़ दें तो सिर्फ 3 बॉन्ड्स ऐसे थे जिनकी कीमत 1000 रुपए थी। शाइन कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड ने 15 नवंबर 2022 को 18 बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें 1000 की कीमत वाले बॉन्ड्स थे 8, बाकी 10 बॉन्ड्स की कीमत 10000, 1 लाख और 10 लाख थी।
ऐसी एक कंपनी थी त्रिभुवन फिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। 10-10 लाख के बॉन्ड्स खरीदने वाली उस कंपनी ने 4 बॉन्ड्स ऐसे खरीदे जो 1000 रुपए वाले थे इसी पैटर्न में। अगला नाम है भाची बेन खामू भाई मानवर का, इनकी ओर से 22 बॉन्ड खरीदे गए जिनमें 8 बॉन्ड 1000 रुपए वाले थे। चुनाव आयोग की इस पूरी लिस्ट में लाखों करोड़ों के बॉन्ड्स खरीदने वालों के बीच ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ 1000 का बॉन्ड खरीदा, वो भी सिर्फ एक, जिसे लेकर भले ही सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के मीम्स चल रहे हों, कुछ लोग मजे ले रहे हों, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी हो सकता है इन लोगों ने इनकम टैक्स में छूट के लिए ऐसे बॉन्ड्स खरीदे हों। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया, मैं दिव्यांशी सुमराव हूँ, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।